नमस्कार, मैं विनोद सिंह, इंडियन क्राइम न्यूज एंड साक्षात्कार बाय विनोद में। हम ऐसे अपने साथी पत्रकारों से मिलाएंगे जो लगातार फील्ड में बने रहते हैं, उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे कि ग्राउंड में इस टाइम पे हालात क्या हैं। तो हम पहले उनसे परिचय करा देते हैं आपका। ये मनीष द्विवेदी जी हैं और ये के विश्वकर्मा जी हैं, ये लगातार सक्रिय रहते हैं फील्ड में। और इन्हीं के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आज के टाइम में, जैसे कि चुनाव का 3 दिन और 4 दिन और बचा है, तो इस टाइम पे वर्तमान हालात क्या हैं, किसके सत्ता मिलने वाली है और किसके यहाँ मातम छाने वाला है। तो हम सीधी जिला में 4 विधानसभा, सीधी, सिहावल, धौहनी और चुरहट, इन 4 विधानसभा पर बात करेंगे कि चल हालात क्या है। तो हम सबसे पहले मनीष भाई से स्टार्ट करेंगे कि अपना मुख्यालय सीधी है, तो सीधी में इस टाइम पे हालात क्या हैं, किसके हाथ में सत्ता लगने वाली है और किसके यहाँ मातम छाने वाला है। मनीष भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इंडियन क्राइम को, विनोद सिंह को और पूरे परिवार की दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। जिले की हालात तो अभी बदलते नजर आ रही है। जो सीधी के विधायक, पूर्व विधायक थे पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनके पक्ष में धीरे धीरे माहौल बनता दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं त्रिकोणी श्रृंखला लड़ाई जो है, त्रिकोणी देखते हुए नजर आ रही है। थोड़ा सा तर्क भी देंगे कि इस टाइम पे ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। परिस्थितियां इसलिए बन रही कि जो सीधी विधायक के कुछ कारनामे थे जनता के हित में, पिछले कई पंचवर्षीय विधायक रहे हुए और उनका कार्यकाल कुछ बुरे कर्मों को छोड़कर, जैसे पत्रकारों के साथ हुआ और एक पेशाब कांड काफी चर्चित मामला था और उनके दूसरे के ऊपर आरोप ठोक रहे हैं अब, तो इसमें धूमिल हुआ पर जनता का निर्णय कहीं न कहीं इस बार धीरे धीरे फिर ग्राफ चुनाव नजदीक आते आते पंडित विधायक केदारनाथ शुक्ला के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, जैसे आपने बुरे कर्मों की बात की, जनता इसी टाइम पे, चुनाव के टाइम पे ही बुरे कर्म और अच्छा कर्मों का लेखा जोखा करती है। तो हम के भाई से बात करेंगे कि इस टाइम पे उसकी, भाजपा की क्या हालत है, कांग्रेस की क्या हालत है, समाजवादी पार्टी भी यादव जी हैं फील्ड मैदान में, तो उनके क्या हालत है। तो हम सबसे पहले भाजपा के बारे में बात करेंगे, भाजपा का क्या हालत है सीधी में। पहले तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की ढेर शुभकामनाएं सभी आपके दर्शकों को भी और पूरे देशवासियों को। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की क्या हालत है, इसमें इस बार सीधी का जो गणित है बड़ा पेचीदा है, ठीक है ना, इसलिए कि वर्तमान विधायक का पत्ता काट कर, टिकट काट कर और टिकट सांसद को उतारा गया है इस बार, तो अब ये भी उनको दर्शाना पड़ेगा कि सांसदी में कितना विकास किए हैं, तभी तो वोट मांगेंगे। और केदारनाथ शुक्ल भी अपना दावा कर रहे हैं कि हम अपने विधायक रहते हुए कितना काम किए हैं। अब इस बार कांग्रेस भी दांव खेली है ज्ञान सिंह पर, जैसा कि इससे पहले देखा जाता था कि अपने यहाँ जातिगत जो राजनीति है तो बड़ा चर्चित रहती है ना, तो इस बार ज्ञान सिंह को उतारा गया है मैदान में, तो उनका भी प्रभाव है, इसलिए लोग खुलकर सामने बोलने से कुछ भी कतरा रहे हैं। लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो जो गरीब वर्ग रहता है ना, तो कहना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन यही कहता है जो हमको दे रहा है उसी को देंगे। अच्छा, अब इससे ठीक है, आपने भाजपा की बात की कि जो भाजपा दे रहा है हम उनको देंगे। जैसे आपने बीच में बात की जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण क्या कहता है, हम इस पे पॉइंट करना चाहते हैं। जातिगत समीकरण इसलिए तो कह रहे हैं कि सीधी जो लोग विधानसभा है तो बड़ा पेचीदा, इसलिए केदारनाथ शुक्ल भी ब्राह्मण समाज से हैं, ठीक है, रीति पाठक भी ब्राह्मण समाज से हैं, ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण भी खुद दुविधा में है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अभी इस बार देखना दिलचस्प होगा, देखिए क्या होता है। अब धीरे धीरे जैसा मुनीश जी कह रहे हैं कि केदारनाथ शुक्ल, जैसे आपने जातिगत समीकरण की बात की, तो जातिगत समीकरण की ही आधार पे सीधी में चौहान, आप उन्हीं के कहना चाहते हैं ठाकुर चौहान, ठीक है, उनमें भी दो लोग हैं,
आनंद मंगल सिंह है और एक जान सिंह है, तो क्या उनमें जात गलत समीकरण काम नहीं करेगी? नहीं करेगा, लेकिन पार्टी का भी बड़ा महत्व होता है। आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव है तो मैं यहाँ बहुत कम है, हम ना कहें कुछ लोग ऐसा नहीं है को मैं प्रत्याशी है, वो तो पार्टी सूत्रे हैं, यहाँ तक कि केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय है तो वो भी फैक्टर। आनंद मंगल का और केदारनाथ शुक्ला की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि केदारनाथ शुक्ला पहले भी निर्दलीय से विधायक रह चुके हैं। अच्छा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, जीतेगा कौन? इस बार जीतेगा कौन? जीतेगा लास्ट में, आपने तो बोल दिया विधायक केदारनाथ शुक्ला ही जीतेंगे, पॉइंट करिए, ऐसी आशा है और विश्वास है। पॉइंट करिए, पॉइंट क्या है, जनता लास्ट में सब चेंज हो गया, विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला को वोट दे देगी, ऐसी आशा है। और आप? हम तो कहेंगे कि ये फैक्ट हम नहीं कह सकते केदारनाथ जी जीतेंगे, क्योंकि विकास इस समय का मेन मुद्दा है। देखिए जातिगत चर्चाएं होती जरूर है, लेकिन ज्यादा इसका भाई इसलिए कि अगर जातिगत देखेंगे तो ओबीसी का कोई नेता नहीं। आपने अभी विकास का जिक्र किया, सीधी में विकास किसने किया? सीधी है नक्शे में, सीधी में विकास किसने किया? इतने साल अर्जुन सिंह रहे, 18 साल से इनकी सरकार है, सीधी में विकास किसने किया? सीधी में वही धूल बनी है, वही हॉस्पिटल बनी हुई है, वही चिकित्सा, वही शिक्षा बनी हुई है, वही रोजगार की सुविधाएं बने हुए हैं, क्या है, क्या ये है कुछ? ये आपका पॉइंट बड़ा मतलब गंभीर है, इसलिए कि इस सीधी जिले को शिवराज सिंह ने गोद भी लिया था, गोद लिया था, लेकिन जिस तरह से गोद लिए तो उसका विकास सीधी का नहीं है। जब एक बात गोंद लेने की आई तो मैं इस पर बोलूंगा कि यहाँ के जितने भी सांसद और विधायक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों को गोंद लिए थे, पर उस आंगनबाड़ी केंद्र को झांकने तक नहीं गए। गोंद लेने की सच्चाई ये है, जब एक मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहा है तो जो जिले के सांसद और विधायक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं गोंद लिए थे, पर उस आंगनबाड़ी केंद्रों को भवनों को झांकने तक नहीं जाते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का ऑलरेडी मुख्यमंत्री का एरिया सीधी भी आता है। हम आपसे यह पॉइंट करना चाहते हैं कि गोद किसको लिया जाता है, ये दम है इस बात में, गोद किसको लिया जाता है? गोद ऑलरेडी सौतेले को लिया जाता है, उन्होंने अपना माना नहीं मेरे समझ से सीधी को, जब सौतेला है तब ना आपने गोद लिया, नहीं तो गोद लेने की ऐसी जरूरत क्या थी? गोद लेने की शुरुआत मुख्यमंत्री ने ही चालू किया मेरे जानकारी के रूप में। लेने की ऐसी जरूरत इसलिए पड़ी कि इनका ये उद्देश्य था कि जो भी पिछड़े हैं, जो केंद्र पिछड़े हैं, जो यहाँ लोग नहीं इकट्ठा होते, तो उसको हम जब जागरूक करेंगे, उसको हम लेंगे, उसकी व्यवस्था देंगे अनुरूप, तो गोद लेने से उस क्षेत्र के, उस गाँव के, उस केंद्र का विकास होगा। उनकी मंशा ये थी गोद लेने का। मेरे समझ से तो ये बता दिए कि गोद लेने के की सौतेले है आपकी नजर में। गोद लिए क्या, गोद कैसे लेते हैं ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे हमारे सीधी जिले में हर एक चीज की सुविधा है। आप पानी ले लीजिए, सोन नदी के है, काफी जमीन है, यहाँ कोई फैक्ट्री बैठा सकते हैं, बड़ा पावर प्लांट बैठा सकते हैं, कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। आप बात कर रहे हैं प्राकृत संसाधनों की, हाँ प्राकृत संसाधन पर्याप्त पर्याप्त है, पर यहाँ की नेताओं की मंशा नहीं है, मंशा नहीं है। चाहे गोद ले ले, हम सबसे शिकायत है ना अपने अपने चुरहट क्षेत्र हमारे हम लोगों का। चुरहट में मैं आऊंगा, हाँ। अभी मैं सीधी की बात करूं, आप किसको दोषी मानते हैं? सीधी का विकास नहीं है, सीधी इतना पिछड़ा है, तो आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो देखिए मैं जनता को मानता हूं, इसलिए जनता के हाथ में वोट देना, हाँ। जनता ने वोट दिया, उसने विकास नहीं किया तो इसको दिया, इसने विकास नहीं किया तो उसको दिया। अभी जनता के हाथ में क्या है? इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उनको दिख रहा है कि ये हमारा क्षेत्री जो है विधायक काम नहीं कर रहा है तो उसको बदला जा सकता है, इसमें हाँ, जनता ये यहाँ मैं विकास की बात कर रहा हूँ, विकास इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जब ये विकास कर देंगे तो जो जनता है इनके पास नहीं जाएगी। एक छोटा उदाहरण दूंगा, जिले के कलेक्टर जो भी आए थे, क्या नाम था उनका, अभिषेक सिंह कलेक्टर इतने अच्छे थे, मैं उनकी सम्मान करता हूँ दिल से, क्योंकि जब वे सीधी में आए थे तो यहाँ की व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जनता खुद उनके लिए जाती थी और गेट उनका 24 घंटे खुले रहता था। तो यहाँ के जो नेता है, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, इन दोनों नेताओं ने मिलकर वहां यहाँ का ट्रांसफर कराने का काम किया है।
जब विकास की बात आती है, क्योंकि इनका एक दोष यह था कि अगर यह कलेक्टर सीधी कलेक्टर यहां रहेंगे तो यहाँ की जनता हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी, हमारे दरवाजे पर माथा टेकने नहीं आएगी। इसलिए विकास का मुद्दा जब कोई नेता या अधिकारी करना चाहता है तो उसके यहाँ के नेता ट्रांसफर कराने का काम करते हैं। पॉइंट सीधी में किसका है ज्यादा? चंद, आपने बता दिया केदारनाथ, आपने एक पॉइंट में, एक शब्द में, एक पॉइंट में हम तो यही कहेंगे कि भाजपा जीतती हुई दिख रहा है मेरा, जहां तक मेरा है। कितने वोटों से? ये वोट तो नहीं कर सकते मैं कि, क्योंकि मैं जब पिछड़े क्षेत्र में जाता हूँ, जैसे आप किसी भी सर्वे में देख लीजिएगा तो ज्यादा फंसी हुई सीट ये चारों विधानसभा में बिल्कुल सीधी ही दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है, फंसी हुई है, क्लियर नहीं कह सकते। ये तो अंदाजा है आदमी का, क्योंकि जाते हैं जब तो लोगों से जब मिलते हैं तो जो अति पिछड़े हैं उनको कहते हैं कि भाई जी जब हमको राशन मिल रहा है, लाइट पहुंची है, रोड यही चाहिए अपने। क्योंकि भाई सीधे के बाद अब जैसे जैसे हम ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, और क्षेत्रों की हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको सीधी को छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं चुरहट की तरफ। चुरहट की तरफ बढ़ा जाए आपकी सब लोगों की मनसा से। हाँ हाँ, चुरहट की तरफ बात कर ली जाए, सिहावल की तरफ बात कर ली जाए, चुरहट की तरफ बात की, क्योंकि बिंद का जो इस समय क्षेत्र चल रहा है तो बिंद में इस समय लड़ाई सभी विधानसभाओं में जमकर है, क्योंकि यहाँ बिंद के जो आंकड़ा सर्वे दिखा रहा है टीवी बड़े चैनलों में वो कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो बड़े नेता हैं हमारे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, चाहे अमित शाह हो, उनकी सबकी नजरें बिंद पर है, क्योंकि बिंद में उनका दौरा लगातार बड़े नेताओं का चल रहा है, जनता को जितना से जितना लुभावित कर सके, इसलिए बिंद में सबकी नजर है, चाहे सिहावल हो, सीधी हो, चुरहट हो, धौनी हो, ये सभी खतरों से खाली नहीं है भाजपा के लिए। चुरहट पर ठीक है, इसमें राहुल भैया के प्रति रुझान दिख रहा है जनता का, क्योंकि पूर्व विधायक जो थे सरतेंदु तिवारी पंडित, उनके जनता का आक्रोश देखा जा रहा है। लोग बोलते हैं काम तो नहीं हुआ पर विकास भी नहीं हुआ, विकास सरकार की जो योजनाएं थी वो जमीन पर चल रही थी, मगर जो अवैध कामों का संरक्षण है वह हमेशा फलता फूलता नजर आया। इसलिए जनता देख चुकी है 5 साल उनको भी देकर, अब लोगों की निगाहें राहुल भैया अजय सिंह पर टिकी हुई है, अब यह जनता का निर्णय होगा, वही सर्वमान्य और निर्णायक होगा चुरहट के लिए। के भाई, क्या पिछले टाइम जनता से गलती हुई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़े पद पे, बड़े मंत्रालय पे जा सकते थे राहुल भैया, और यहां तक कि मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे, तो क्या जनता से गलती हुई है पिछली बार, तो जनता सुधारना चाहती है या फिर इनकी वजह से जाना चाहती है, क्या रखेंगे इसमें अपना तक? देखिए, इसमें तो विधायक का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो सत्येंद्र तिवारी जी हैं तो अजय सिंह के मुकाबले में जो राजनीतिक करियर है तो बहुत छोटा है। अजय सिंह राहुल भैया बहुत दिनों से राजनीति में, तो टाइम भी छोटा था नहीं था, लेकिन देखिए जब कोई नया नया प्रत्याशी आता है तो जनता उस पर दांव खेलने का प्रयास करती है कि हो सकता है कि हम बीजेपी के सत्येंद्र तिवारी आए हैं इन पर दांव खेलेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सत्येंद्र तिवारी जनता को वो भरोसा नहीं जीत पाए, अब हालांकि वो जो जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 3 साल कोरोना काल था और ज्यादा काम नहीं, हम काम भी किए हैं, तो ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन जो रुझान है तो मैं मनीष जी के वक्तव्य से सहमत हूँ कि लगभग राहुल भैया इस बार चुनाव जीत सकते हैं, उनके पक्ष में जाएंगे। अब धौनी की बात कर ली जाए तो धौनी में इस टाइम पे आप क्या देख रहे हैं? धौनी में तो कुमार सिंह टेकाम ही जीतेंगे, क्योंकि वो पिछड़ा क्षेत्र है, और जो सबसे बड़ा चीज है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उतना प्रभावशील नहीं, उनका प्रभाव उतना नहीं, और प्रत्याशियों का भी, जैसे आप सीधी की बात किए थे तो ज्ञान सिंह का जो प्रभाव है बहुत, मतलब अन्य प्रत्याशियों को चिंतित कर रहा है, तो इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी तो फिलहाल मैं टेकाम को ही देख रहा हूं कि यदि ये बात की जाए टेकाम और कांग्रेस प्रत्याशी, तो कांग्रेस प्रत्याशी के फूफा हैं टेकाम जी, आप ये चीज को जानते होंगे, तो टेकाम जी ने भी आशीर्वाद दिया है अपने भतीजी को, तो ये कितना सही है और क्या आशीर्वाद लगेगा उस चीज को? ये राजनीति है, इसमें कका भतीजा कुर्सी के चक्कर में कोई नहीं छोड़ता, कुर्सी इतनी खराब होती है,
कुर्सी के चक्कर में लोग अपने भाई को भूल जाते हैं, भतीजों को भूल जाते हैं। कुर्सी और सत्ता का मोह ये कहीं से कहीं तक खींच ले जाता है। यह राजनीति है, यहां सब कुछ संभव है। राजनीति में सब कुछ संभव है। एक बार फिर लगता है धवनी में कुंवर सिंह टेकाम, क्योंकि आदिवासी एरिया है, पिछड़ा है, और सरकार का सबसे अधिक पैसा इस बेल्ट में आता है, और उस पैसे का भ्रष्टाचार से बंदरवाट किया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में लोग विरोध करने वाले कम होते हैं, और जो होते हैं अधिकारी कर्मचारी सब उसी की तरफ ट्रांसफर कराने में लगे होते हैं कि वहां जो जाएगा कमीशन देगा, पैसा खाएगा, वही वहां पर राज करेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जो बड़े चैनलों का सर्वे है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो उसमें धवनी लगभग लगभग कांग्रेस विजय हासिल कर रही है, तो उसको आप कितना गलत करेंगे, कितना सही करेंगे, कि बड़े चैनलों का सर्वे कितना सही है, कितना गलत है? अब देखिए, मैं बड़े चैनलों की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रहते हैं। हम लोग कोई ऑफिस में बैठ के निर्णय नहीं करते कि किसका कहाँ सीट आ रही है, किसकी नहीं। हम लोग ग्राउंड पे जो देखते हैं वो कह रहे हैं, लास्ट में निर्णय जनता किसके ऊपर करती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कांग्रेस के रहेंगे, कह देंगे भैया हम बीजेपी को वोट देंगे, कैसे आप गणना करेंगे। इसलिए अब अंतिम निर्णय तो 3 दिसंबर को ही होगा। नहीं, ठीक है, तो इसमें धवनी को बीजेपी को पॉइंट किया जाए, बीजेपी जीत रही है लगभग कितने वोटों से? वोट तो नहीं कह सकते, तो आदमी कोई नहीं बता सकता, ज्योति है नहीं। 3 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आप पंडित जी हैं, अपने मुखार बिंदु से कुछ तो बोलिए। मैं इसमें पंडित और गुणा गणित की बात, गुणा गणित की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं कि देववाणी होती है पंडितों की, देववाणी है, पर वोट के अंदर जो मशीन है, मशीन सिस्टम चल रहा है, उस पर लोगों का भरोसा है। आप अपनी देववाणी से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देववाणी से यही है, कुंवर सिंह टेकाम कितना नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी प्रतिबंध है और आचार संहिता भी लगी है, उस नियम का हम पालन करते हैं। और इस चुनाव में, मैं विनोद भाई बता रहा हूँ कि इस चुनाव में मैं बड़े बारीक से देख रहा हूँ। लोग यह सोच रहे होंगे कि मनीष चुप क्यों बैठा है। लोगों की ऐसी मंशा है कि ये लगातार पत्रकारिता लाइन में साल भर से लगातार और दबंग से खबरें चलाता था। जब से चुनाव आचार संहिता लगी है तो शांत क्यों बैठा है? शांत इसलिए बैठा हूं कि मैं आचार संहिता और इस कानून और नियम के पालन कर रहा हूं, ताकि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई केस में उलझ जाए और इसकी पत्रकारिता समाप्त कर दी जाए। तो मैं बड़े शांत और स्वभाव से बैठा हूं, लोगों को देख रहा हूं, और जब कभी भ्रष्टाचार की बात आती है तो मैं खड़ा से वहां खड़ा हो जाता हूं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर, अवैध रेत खनन के मामले में हो, नशा के बारे में हो, या ग्रामीणों में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार संबंधित बातें हो, इस पर मैं अभी अड़ा रहूंगा। 3 तारीख के बाद चाहे सत्ता किसी की आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी लाइन है जो सत्ता और पद की मोह नहीं रखता। किसी की हो, मैंने सिहावल क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की, गरीब असहाय दुख पीड़ित किसी भी वर्ग का हो, मैंने सभी प्रकार के सभी व्यक्ति की न्यूज चलाई है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाता है ये खबर इसकी नहीं चलाता, उसकी नहीं चलाता, उसके पास जरूर प्रमाण नहीं रहे होंगे, तो मैंने उसकी खबर नहीं चलाई होगी, वरना मैं ग्राउंड जीरो से लाइव खबरें चलाया हूं। चाहे किसी भी कितनी भी बड़ी माफिया की खबर हो या एक आम व्यक्ति की खबर हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हम बात कर लेते हैं अपने गृह ग्राम सिहावल विधानसभा की। हम तीनों की गृह ग्राम है, इस पे हम लोग कहें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बने ही रहते हैं, तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। तो किसकी तरफ से स्टार्ट किया जाए? हमारी तरफ से स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सच वो नहीं बोल सकते जो गुलाम बने हुए हैं, जो अपने को गुलाम पत्रकारिता कहते हैं, अग्रणी भाग भी माने जाते हैं पंडित जी। तो हम पंडित जी से ही स्टार्ट करते हैं, द्विवेदी जी से ही स्टार्ट करते हैं कि यहाँ सिहावल के क्या हालात हैं। सिहावल की हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि हमारे विधायक कमलेश्वर पटेल भी विधायक थे और 2 पंचवर्षीय विधायक हैं, जो लोग बोलते हैं 45 साल से थे उनके घराने में, तो विकास हुआ है पर उस गति से विकास नहीं हुआ है जिस गति से जनता देख रही है। पर इस बार जो विधानसभा का टिकट निर्दलीय प्रत्याशी विश्वामित्र पाठक को दिया गया है और इस बार भाजपा से टिकट दिया गया है, और लोगों की उत्सुकता यह है कि मैं कई बार ग्राउंड जीरो पर भी जाता हूं
तो लोग कहते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है और आप माहौल क्यों नहीं लेते। माहौल लेने की क्या बात, जनता की जो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री की जो लाडली बहना है, इस सरकार को बचाने में, मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार को बचाने में ये लाडली बहना मील का पत्थर साबित हो रही है। और जब यही सरकार भ्रष्टाचार का विरोध था, भाजपा का नामो निशान नहीं था प्रदेश में, मैं भी ग्राउंड जीरो से लगातार कवर करता रहा, इतना विरोध था भ्रष्टाचार से, किसी भी विभाग को लेकर जाइए, अवैध उत्खनन पर जाइए, ऑफिसों पर जाइए, तहसील में जाइए, बिना पैसे का कुछ होता नहीं था। जब से ये लाडली बहना मुख्यमंत्री के ताजी लागू हुई योजना और लोगों ने लाभ पाया, तब से लोगों का माहौल बिल्कुल चेंज हुआ। और इस चेंज का मील का पत्थर सिहावल विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दों को लेकर सिहावल के विश्वामित्र पाठक विधायक गली गली जा रहे हैं, लाडली बहनाओं का प्रचार कर रहे हैं और अपने जो बीते 5 साल के कार्यकाल थे, जो बड़े बड़े कामों में गिनाए जाते हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और रही बात विधायक कमलेश्वर पटेल की, हमारे विधायक थे सिहावल विधानसभा के, और विधायक बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, यह जनता का प्रेम स्नेह उनका काम दिखाएगा। और इसमें जो सिहावल विधानसभा का चुनाव था, कल मैंने अमिलिया में कवर कर रहा था भाजपा का कार्यक्रम, लाडली बहना का यात्रा थी, फिर मैंने उसी क्षेत्र में बमरी विधायक कमलेश्वर पटेल जी का भी कार्यक्रम चल रहा था, मैंने वहां भी गया, लोगों का उत्साह वहां भी दिखाई दे रहा है। इस बार सिहावल और विश्वामित्र पाठक का जिस तरह से रुझान चल रहा है विधायक कमलेश्वर पटेल के प्रति और विश्वामित्र पाठक के प्रति, दोनों में मुझे बराबर समझ में आ रहा है इस समय पर। अरे आप बचते हुए नहीं, ये सच है और काला सच है, कहीं 5% गिर जाता है इनका सर, जैसे ही लाडली बहना की रास जाती है फिर से 5% भाजपा की बढ़ जाती है, पहले 5 कांग्रेस आगे रहती है, फिर 5% लाडली बहना किस जाने पर 5 भाजपा ऊपर आ जाती है। अब इस दोनों की लड़ाई में जनता इतनी भ्रमित हो चुकी है, वोट कहां जाए, किसको दे, अब इन दोनों के चक्कर में, और ऐसा प्रतीत होता दिखाई भी दे रहा है, इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में कौन सी पार्टी जीत जाएगी, किसी को अभी करेजे में बात दिल में नहीं आ रही है कौन सी पार्टी जीत जाएगी, इसीलिए लोग खुल कर नहीं आ रहे हैं। पर लोगों से एक अपील भी है, यहां पर किसी को जात देखकर वोट नहीं देना, चाहे किसी भी जात का हो, सिर्फ विकास के मुद्दे पर, उनकी योजनाओं पर, उनके दिखाए गए 5 साल कार्यों पर, उनके व्यवहार पर उनको वोट देना है। जनता को जिस व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष पर नहीं, व्यक्ति के नाम पर नहीं, जो विकास की गाथा है, जो विकास की दुहाई दे रहे हैं, उनकी कितनी क्षमता है, कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं, कार्यकर्ता चुनाव नहीं जिता रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है, जनता खुद लड़ने को तैयार है, जनता खुद लड़ रही है, यह तो 3 तारीख के बाद दिखाई देगा कि यहां का विधायक कौन बनेगा। देखिए के भाई, मनीष भाई ने एक बात कही कि सिहावल तहसील भ्रष्टाचार का गढ़ रहा है और ये सदियों से रहा है, ठीक है, इसमें छोटा मोटा काम भी कराने जाओ तो बिना पैसे का काम वहां होता नहीं है। तो देखिए, केंद्र में सरकार भाजपा की रही है, राज्य में सरकार भाजपा की रही है, यहाँ की लोकल विधायक कांग्रेस की, तो आप ये किसको मानेंगे कि किसकी वजह से भ्रष्टाचार हुआ है, किसने पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की, या किसकी निष्क्रियता की वजह से, हमने तीनों को पॉइंट आउट कर दिया है, अब बताइएगा कि इसमें से 3 में से किसकी वजह से भ्रष्टाचार बना रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार का जो मूल जड़ है वो है इस देश का भ्रष्ट कानून। अगर इस देश में ऐसा कानून होता कि कोई पटवारी 500 रुपए का रिश्वत लेते पकड़ाया और उसे 5 साल की सजा हो जाए, तो मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि कोई भी पटवारी 500 रुपए नहीं लेगा, क्योंकि 500 रुपए के लिए 5 साल जेल जाने को तैयार नहीं है। तो आप डायरेक्ट, और इसके साथ साथ जो लोकल नेताओं के प्रतिनिधि होते हैं, मैं नेताओं को नहीं कहूंगा, कोई भी नेता डायरेक्ट भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, बहुत कम होते हैं जो बड़ी मुद्राएं होती है ना कहे। मैं इस मुद्दे पर एक खुलकर बहस करना चाहता हूं कि जब यहां भ्रष्टाचार की बात आती है तो जनता यहां खुद भ्रष्टाचार करती है, पूछे कैसे, जब काम जल्दी कराना होता है और अवैध कामों का संरक्षण, जो पात्र व्यक्ति नहीं है अपात्र व्यक्तियों के लिए पैसा दिया जाता है,
पैसा दिया जाता है और नेताओं के दम पर नहीं, जो चमचागिरी करते हैं वहां दलाली करते हैं, और हर तहसील के अंदर, हर बैंकों के अंदर, ना कहीं ना कहीं हर थानों के अंदर दलाल सक्रिय होते हैं, उन दलालों के माध्यम से पैसा ले जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ सरकार तो दोषी ही है, कानून का लचीलापन है, क्योंकि जिस तरह से अवैध उत्खनन का संरक्षण चल रहा है, अब बताइए, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, हर जगह फोर्स लगी हुई है, एसएफ बीएसएफ और पुलिस की टुकड़ियां, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, तो आचार संहिता पूरे पावर पर लगी हुई है, आम आदमी के लिए हेलमेट ना पहने तो जांच हो जाती है, और लोग कोरेक्स 350 रुपए, पेट्रोल डीजल का अवैध धंधा आ रहा है, रेत का अवैध चोरी चल रही है, परसों मैंने गाड़ी पकड़ाई थी खामड़ा में और कल लिलवार में पकड़ी गई है, क्या है, किसके संरक्षण में उत्खनन चल रहा है, हम लोग एक चम्मच नहीं हिला पाते, हम पत्रकार हैं, अपने शब्दों को बड़ा संयम रखते हैं, कानून की नजर में ना चढ़ बैठे, पर ये माफिया जो गांजा, गांजा पर बोलेंगे, गांजा गली गली बिक रहा है, दारू गली गली बिक रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, पर इन दारू खोरों की वजह से नहीं, जो लाइसेंसी भट्टी है, मैं हिनौती की बात करूंगा, अमर सिंह की दुकान है, वहां पर 55 की दारू 70 रुपए में बेची जा रही है, किसी की हिम्मत नहीं है उस ठेकेदार के खिलाफ खबर चला सके, उसको बोल सके कि रेट क्यों ले रहे हो। दूसरी बात, रेत उत्खनन का, खामड़ा से बालू उठता है, 4000 में बालू बेच रहा है, मतलब नंबर दो का काम, काला व्यापार दिन पर दिन फूलता जा रहा है। हम दोनों ने लगातार खदानों में घुस घुस कर खबर चलाई है, जब से सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा आए हैं, तब से मैंने इन माफियाओं के खिलाफ जहर उगला है, आवाज कहीं न कहीं माफियाओं की नजर में हम लोग गड़े हुए हैं, ये है यहाँ का काला कारनामा और भ्रष्टाचार की जड़ पनपती रही है। थोड़ा सा हम इस पॉइंट पे बात कर लेंगे, फिर हम मैं चुनाव पे लौटेंगे। एक पॉइंट मेरा और है, इस थाने को, अमीलिया थाने को, या कहें ये फिहरा चौकी को, कौन चलाता है, नेता चलाते हैं या पुलिस चलाती है? अब ये तो हम डायरेक्ट आरोप आपसे नहीं लगाएंगे, लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे आपसे कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भ्रष्टाचार बंद कैसे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं एक को दोषी नहीं हूँ। सुझाव कैसे देंगे? मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई एक पार्टी हो, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं हुई है, सबके यहाँ जो नेता प्रतिनिधि हैं सब खा रहे हैं, जैसे मनीष जी बोले कि नेता नहीं, नेता के जो चमचे हैं इस देश को भ्रष्ट कर रहे हैं, उसका एक ही उपाय है, सारे कानूनों को फिर से बदला जाए और ऐसा भारतीय कानून बनाया जाए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब देखिए इस देश को, देखिए आप देखते होंगे दुनिया में भारत ही एक देश है जहां बोलते हैं लोग, हर व्यक्ति बोलेगा झूठ बोलने से पाप होता है, लेकिन इस देश में झूठ बोलने पर पाप तो होता है लेकिन सजा नहीं होती, जबकि अन्य कई देश आप पाएंगे कि जहां झूठ बोलेंगे तो 5 साल की सजा होगी। के भाई, हम ये भ्रष्टाचार के मुद्दों में हम अलग से एक करेंगे, पर अभी हमारा चुनावी है, चुनावी दौर है, तो चुनावी दौर पे हम बात करेंगे कि सिहावल की यथास्थिति क्या है। सिहावल की मैं मनीष जी से सहमत हूँ लगभग, लेकिन जो बार बार बात आती है, जैसे मान लीजिए कोरोना काल में जो गरीबों को अन्न दिया गया, मैं ऐसे ऐसे जगह पे गया हूँ जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं होता, उन लोगों को जो जीवन यापन चल रहा है उसका भी प्रभाव है। लाडली बहना, जैसे आप मनीष जी बोल रहे थे, लाडली बहना का भी प्रभाव है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जो हमारी विधानसभा सिहावल है, कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन लोगों के जो अभी के नौजवान है उनके मन में ये भी है कि अगर यहाँ से बड़े बड़े मंत्री और लगातार विधायक रहे हैं तो सिहावल की ऐसी स्थिति क्यों है कि कोई बड़ी कॉलेज नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ी चौकी नहीं। मैं विकास के मुद्दे पर बात करूंगा, और विकास का मुद्दा चुनाव के पहले ही लिया जाता है, रोजगार का लिया जाता है और विकास का लिया जाता है। मैं हिनौती बाजार की बात करूंगा, कल लोग इतना चहला था, लोग पल पल में बाइक वाले गिर रहे थे, वहां से सारे अधिकारी जाते हैं, एसडीएम भी जाते हैं, बड़े अधिकारी भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, चुनाव बनने के बाद उनको दिखाई नहीं देता, नाली तक नहीं बनी है, जहां नाली नहीं बनी है वहां जरूरत नहीं है, वहां नाली बना के पैसा निकाला जाता है परसेंटेज के बेस पर।
काम दो, पैसा ले जाओ, काम कराओ, ठीक है, बंद करवाओ। और जब विकास की बात आती है, हिनौती से निकल लो, नाली नहीं है, पूरा पानी रोड पर भर रहा है, अधिकारियों की गाड़ी भी फिसल रही है, पर किसी के नजर में ध्यान तक नहीं है। सिहावल मुख्यालय की बात करो, बरसात के दिनों में तालाब जैसे सिहावल ब्रिगेड का मुख्यालय बन जाता है, पानी भरा होता है, और विकास की सारी कहानी वहीं से समाप्त हो जाती है। जैसे आपने 50-50 कर दिया, 50% 50%, तो किस आधार पे आपने किया है? आपने 50% किस आधार पे उसका भी तर्क यही है कि जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ के जो लोग बोलते हैं उनके भी समर्थक मिलते हैं और इस पार्टी के भी समर्थक मिलते हैं, तो लोगों में उत्साह है। कब कैसा होगा, कौन गलती से या धोखे से, कौन विकास के मुद्दे पर जीत जाएगा, किसी को गाल की पेच की हड्डी बनी हुई है। यहाँ थोड़ा सा हम जातिगत जातिगत नहीं आंकड़ों पे बात करेंगे, करना भी नहीं, चुनाव मेरे समझ से करना भी जरूरी है। जातिगत आंकड़ों पे हम बताते हैं, ये सिहावल का विधानसभा का चुनाव लोग जातिगत देखते हैं, पर यहाँ का चुनाव जातिगत बिल्कुल नहीं है। इस बार विकास पर लोग वोट दे रहे हैं, जो विकास करेगा नेता उसी को वोट देंगे। यहाँ की राजनीति जातिगत बिल्कुल नहीं रह गई है। इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा, जनता खुद लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता खुद लड़ रही है। इस लड़ाई के चक्कर में कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, यह अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। मतलब आपकी तरफ भी 50 मैं 50 की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मनीष जी करना पड़ेगा कुछ तो पॉइंट। मनीष जी की बात में थोड़ी सी बात जोड़ दूं कि इन्होंने कहा कि भी हिनौती में मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ है। अब नेता 50 लाख के गाड़ी में बैठ कर नहीं, पर हिनौती बाजार की बात करूंगा, तालाब बना हुआ है, 50 लाख की गाड़ी में मारेगी तो समझे क्या मतलब है। वो तो खाली उसी मुद्दे को उठाकर वोट मांगने से मतलब हार का आंकड़ा रख दीजिए कि क्या होने वाला है। ग्राउंड में आपने जो यथास्थिति देखी है क्या होने वाला? अभी तक तो जितना मैं देखा हूँ तो 55-45 चल रहा है। किसका 55 किसका 45? कांग्रेस का 45 और बीजेपी का 55, क्योंकि मैं ज्यादातर उन बस्तियों में जाने का प्रयास करता हूँ जहाँ अति पिछड़े गरीब रहते हैं, क्योंकि चाय के दुकान पर आप किसी का निर्णय नहीं कर सकते, हकीकत वही मिलेगी, बाकियों में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा रुझान है, बाकी जनता फैसला करेगी कौन विधायक बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। इसमें तो मैं एक उम्मीद कर सकता, क्योंकि 55 भाजपा दिखाई दे रहा है, जो जनता की रूह है, जो जनता का माहौल है, इन्हीं से सहमत है, पर थोड़ा आंकड़ा मेरा कुछ आगे पीछे है। 55 ये है, हमारे व्यूवर्स भी जान ले, हमारे दर्शक भी जान ले कि क्या कैसे है आपकी नजरों में। नहीं कुछ आंकड़ा कुछ डिस्टर्ब टाइप दिख रहा है इसमें, जैसे चुनाव आ रहा है तो इस आंकड़े को लोग कुछ असमंजस टाइप में है। फिर भी भाजपा का आंकड़ा 5% से 5% अधिक दिख रहा है, तो वही तो इनका भी कहना है। हाँ, वही, क्योंकि मैं ये जनता की आवाज बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा अपना आंकड़ा, मैं जनता के रूप में जाता हूं। अब ये 5% ये कैसे कवर होता है 2-3-4 दिनों में, या आगे जाता है या पीछे जाता है, यह तो जनता और 3 तारीख की जो गणना होगी उस पर यह निर्णय करता है। चलिए धन्यवाद मनीष भाई आपका। थोड़ा सा थोड़ी सी बात जोड़ देता हूँ, जो यहाँ का कांग्रेस का मूल वोटर था गरीब, तो कुछ ऐसे मामले हुए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र सिहावल में, मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो लोग बताते हैं कि वो मुद्दे से भी नाराज है लोग। ये मुद्दे फारे है, मैंने पहले भी बोल दिया है कि फारे मुद्दे चुनाव के टाइम में ही याद आते हैं और याद करने भी चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। इसलिए कांग्रेस का 5% जो घट रहा है, तो ये गरीब का वोटर भी बड़ा इफेक्ट करेगा मेरे ख्याल से। जी और ये नहीं, मुद्दे तो बहुत है, पर समस्या इस बात की मैं किसी यहाँ एजेंट बैठकर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी जब ऐसी बातें आती है सामने तो लोग एजेंट के रूप में गिनने लगते हैं। तो यहाँ तो मैं एक पत्रकार के रूप में अपनी बात को रख रहा हूँ। नहीं, मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं, लोग सरकार बना भी सकते हैं और बना बिगाड़ भी सकते हैं। एक बहरा हक कांड बोलूंगा,
कितने कांड बोलूंगा, कांड इतने हैं, पर यहां जो मुद्दे चल रहे हैं सिर्फ अपने मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। देखिए जो मैनिफेस्टो है तो मैनिफेस्टो की थोड़ी सी बात हो जाए, आपने भी देखा है हमने भी देखा है, लगभग लगभग दोनों को समानता है, मैनिफेस्टो जो उनका घोपड़ा पत्र है लगभग लगभग समानता है, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? मैनिफेस्टो से हम आपको बता दें कि जो इसका जो शहर के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वही इसका मतलब समझते हैं, बाकी गरीब नहीं, 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 मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का पहले मैनिफेस्टो आया, भाजपा का बाद में, तो हम ये कह दें कि उसका जीरो ऑफ करा के ही भाजपा वाले भेज देते हैं क्या? ये कह सकते हैं, लेकिन मुद्दे तो लगभग एक ही है, 500 में कांग्रेस बोल रही है, जैसे पहने का भी जी, वो नारी सम्मान के नाम पे उसने पहले घोपड़ा किया और इन्होंने लागू कर दिया। देखिए सरकार जिनकी होती है लागू वही करता है, इन्होंने लागू कर दिया, इनके हाथ में था, तो उनका एक तरह से कहे तो क्या ये उनका जीरो ऑफ भेज देते हैं क्या डायरेक्ट? मैनिफेस्टो का मतलब नहीं है, यहाँ तो लोग प्रदेश में सरकार कांग्रेस की देख रहे हैं और शायद ऐसी बनने को दिख भी रही है जो बड़े चैनल है, पर लोग यह चाह रहे हैं कि सिहावल विधानसभा को कैसे हराना है, ये नहीं, यह देख रहे हैं, इनकी जनता का ये रुझान कहें या गुस्सा कहें, लोगों के मन में जब जाता हूं लोगों के बीच में, लोग बोलते हैं यहाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, मेरी प्रदेश में सरकार बने तो हालत वही होगी, जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के विधायक थे, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा की, सत्ता परिवर्तन से मतलब आपका सिहावर से है कि प्रदेश पे है कि केंद्र पे? लोगों की आवाज जब मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं प्रदेश में भले कांग्रेस की सरकार बने पर लोग यहाँ की सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, पर विकास की जब बात आती है तो विकास में ऐसा कहीं ना हो कि प्रदेश में भाजपा की सरकार पहले थी और यहाँ के विधायक कमलेश्वर पटेल थे, और जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो विधायक कमलेश्वर पटेल न रहे, तो विकास से कई अछोते दूर होगा, यह भी कहानी सच है। मैं इस बात को कितना समझता हूं, देखिए जो कह रहे हैं कि सत्ता, तो सत्ता किसी की रहे, विधायक चाहे कोई रहे, अगर उसका काम करने का इच्छा शक्ति है, जैसे अभिषेक सिंह कलेक्टर साहब की बात किए है मनीष जी, तो उनको काम करने का इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने काम कर दिया, कोई रोक नहीं पाया। आप लोग बार बार अभिषेक सिंह की बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली नाम जब पूछना चाहता हूं कि अभिषेक सिंह को किसने हटाया? अभिषेक सिंह के हटाया तो इन नेताओं ने ही और दोनों पक्ष के नेताओं ने मिलकर हटाया, इसमें किसी का नाम नहीं है, गांव नहीं है, क्योंकि दोनों ने राजनीति की, क्योंकि दोनों में दोनों के चौखट के गेटों पर और पब्लिक का आना जाना कम हो गया था, इन दोनों की गुस्सा लगी हुई थी, क्योंकि अगर ये कलेक्टर नहीं हटेंगे तो यहाँ हमारी जनता हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी, हमारा माथा नहीं टेकेगी, हमसे पूछेगी नहीं कहाँ जाना है, किसको वोट देना है, किसके पास जाना है, कौन से अधिकारी के पास जाना है, इसलिए कलेक्टर अभिषेक सिंह को राजनीतिक रसूख के कारण हटाया गया, और वहां जब जाने लगे जनता कलेक्टेड गेट के अंदर बाहर धरने पर बैठ गई, यह उनके प्रति यहां के जनता का मोह था। आप अभिषेक सिंह को फिर से सीधी में देखना चाहते हैं तो ऐसी अपेक्षा किस नेता से रखते हैं कि उनको ला सकते हैं दोबारा? ये नेता तो कभी नहीं चाहेंगे अभिषेक सिंह को आए, क्योंकि जब कोई भी नेता बनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा अधिकारी है जो हमारी बातों को पतंगड़ बना सके, हमारी बातों को प्रचार कर सके, हमारी बातों को दिखा सके, बता सके, सब अपने चहेते चाहते हैं, और चहेते हुए अधिकारी अपने थाना में अपने कलेक्ट्रेट के अंदर तहसील के अंदर एक एक बाबू को लाना चाहते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, मैं किसी नेता का नाम दूंगा, जो भी सत्ता परिवर्तन होगा सत्ता के बदले की भावना की वजह से, चाहे पत्रकार की FIR की बात हो, किसी की मुद्दों के लिए बात हो, वह इसी मुद्दे पर बात करेगा कि हमारा जिसमें हित हो, सत्ता भले परिवर्तन हो, हमारा जिसमें हित हो, हमारा उसमें भला हो, उसी को लाना चाहती, अधिकारी हो, नेता हो, पुलिस हो या पत्रकार हो। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद के भाई, हम आज अपनी चर्चाओं को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और फिर आगे की जैसे स्थिति यथास्थिति बनती है तो हम उनपे चर्चा करेंगे हम लोग। धन्यवाद।